1918 में इस मंदिर की नींव रखी गई थी। शिव प्रसाद गुप्त जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने आज पेपर की भी शुरुआत कराई थी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और लगातार 6 वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद 25 की संख्या में मिस्त्री और 30 की संख्या में जो श्रमिक थे, उन लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर अजीबोगरीब है और इसे मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। इस मंदिर में यह उस समय का भारत है जो अविभाज्य था। ऐसे मंदिर को यहाँ मंदिर की नक्काशी देख रहे हैं आप। दरवाजे पर वंदे मातरम का उल्लेख किया गया है। यह खूबसूरत दरवाजे, पत्थर की नक्काशी, भारत मानचित्र का संक्षिप्त विवरण जो दीवालों पर लिखा गया है, जी हाँ, यही है भारत माता का मंदिर। मैथिली शरण गुप्त जो उस समय वहाँ उपस्थित थे जब महात्मा गांधी ने भारत माता के इस मंदिर का उद्घाटन किया था, 25 अक्टूबर 1936 को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, भारत माता का यह मंदिर समदा का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जैनाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न धर्म संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम, आओ यहाँ अजात शत्रुवन सबको मित्र बना लें हम, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम, मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का बैठो माता के आंगन में, नाता भाई भाई का समझे उसकी प्रसव वेदना, यही लाल है माई का। यह मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है जिसका उल्लेख हमने किया। यह जो आप देख रहे हैं नीला नीला, यह अरब सागर है और हिंद महासागर है। 15 अगस्त के दिन इसमें पानी भरा जाता है और जो पर्वतमालाएं आप देख रहे हैं यह सभी का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी पवित्र भाव से यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं। 25 अक्टूबर 1936 का दिन जब बापू ने यहाँ आकर इस अविभाजित भारत के नक्शे का, जो संगमरमर से बना हुआ है, मकराना के संगमरमर से, जिसका उद्घाटन किया था, आप देख सकते हैं यह अनोखा मंदिर जहां सम्मान के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी शीश नवाते हैं। ऐसा मंदिर जहां जाने व मत्था टेकने से नहीं रोकता है हमारा धर्म, ऐसा मंदिर जहां जाते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है और बरबस ही मुंह से निकल जाता है, भारत माता की जय, माँ भारती की जय। आप इसे भी देख सकते हैं, यह जो ऊपरी हिस्सा है अब यह बंद रहता है, इसमें लोग नहीं आते जाते। इसमें तमाम तरह की किताबें रखी गई हैं, लिपियां हैं और अन्य भी यहाँ उकेरी गई हैं कृतियाँ। इस जो भारत माता के मंदिर को आप देख रहे हैं, इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा एवं श्रीलंका, यानी कुल मिलाकर अविभाज्य भारत का शानदार चित्रण किया गया है। यह किताबें यहाँ रखी गई हैं,
कुछ और भी फोटोग्राफ्स हैं, चित्र हैं, जिन्हें विदेशी सैलानी और यहाँ के लोग आते हैं, उन चित्रों को लेते हैं। दीवारों पर भी नक्काशियाँ की गई हैं। 450 पर्वत श्रृंखलाएँ और स्वयं पर्वतराज हिमालय का उल्लेख यहाँ किया गया है, जिनको दर्शाया भी गया है। संगमरमर के का जो है यहाँ, जिस पर दिखाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। रोम रोम हमारा पुलकित हो जाता है हम यहाँ आने पर। कण कण अखंड भारत और अविभाज्य भारत को देखकर प्रत्येक भारतवासी को सुखद अनुभूति का एहसास होता है। यह आप गैलरी देख सकते हैं, यह एक तल नीचे भी है, उसे भी आप देख सकते हैं। यह उस समय मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था जब बापू अस्तित्व में आए थे। 1918 में इसकी शुरुआत की गई और 1924 में बन करके तैयार हो गया। असहयोग आंदोलन के समय, जब पूरे देश में स्वराज, स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा दिया गया था, प्रत्येक भारतवासी इसके लिए तन मन से, प्राणपण से सचेष्ट था। ऐसे समय में कुल 25 कारीगरों ने और 30 श्रमिकों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। वैसे तो उज्जैन, हरिद्वार में भी भारत माता के मंदिर हैं, लेकिन जिस प्रकार आप देख रहे हैं, यह माँ भारती, भारत माता शेर के साथ खड़ी हैं, ऐसा ही एक काल्पनिक चित्र हर एक भारतवासी के मन में, अंतःकरण में इस तरह का चित्र विद्यमान है। और हम कोई भी शुरुआत करते हैं, कोई भी पवित्र कार्य करते हैं, कोई भी जन आंदोलन करते हैं, तो भारत माता के जय के साथ ही उसकी शुरुआत करते हैं। इस पवित्र भारत माता मंदिर की आप देख सकते हैं, यह खिड़कियाँ लगी हुई है, इसे मंदिर का अवलोकन आप कर सकते हैं। यह खूबसूरत पत्थर लगे हुए हैं इसकी नींव में, इसे भी आप देख सकते हैं। यह इन जंगलों को देख रहे हैं, एक ही आकार के प्राचीन युग की यह जंगले हैं, खूबसूरत। यहाँ इसका प्लेटफार्म बना हुआ है, इसके चौकट से खूबसूरत यह सुर्खी चूना का यह आप देख रहे हैं जो ट्रैक है चारों तरफ, जिससे प्रदक्षिणा लोग कर सकते हैं। यह लकड़ियाँ बता रही हैं कि कितना पुराना यह मंदिर होगा। 100 साल पुराना तो है ही, किंतु अभी भी इसके मरम्मत की आवश्यकता है। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है, इस पर सरकारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। या शिव प्रसाद गुप्त, जो धनाढ्य परिवार में जन्म लिए थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इनका भी नाम सरल अक्षरों में लिखा गया है, काशी विद्यापीठ की भी स्थापना किया, जिसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के रूप में जानते हैं। इसे भी आप देख रहे हैं, मैं उस परिवार को भी कहूँगा, उनको भी लिखूंगा, इसे और भी ठीक करने की आवश्यकता है, ठीक कराने की आवश्यकता है। और यह फर्श जिसे आप देख रहे हैं, यह अत्यंत खूबसूरत है। इधर भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं बाहर जाने के लिए। यह पिछला हिस्सा है मंदिर का, और यहाँ भी आप देख रहे हैं खूबसूरत पटिया और खूबसूरत चौकट या सुखी चूना का जो ट्रैक और फर्श बना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, सचमुच अत्यंत मनोरम और खूबसूरत है। इसे और भी सजाने और संवारने की आवश्यकता है। इसके चारों तरफ फूल पत्ते, मैं यहाँ के कुलपति को भी मैं अनुरोध करूँगा उनसे भी, चूँकि ये कहीं परिसर है, लेकिन यह परिसर भारत माता मंदिर परिसर के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इसका कोई मतलब नहीं। सारी देख रेख देखिए कितना करीबी से, यह इनकी जो पत्थर की पट्टियाँ है यह लगाई गई है, ठीक उसी प्रकार ऊपर भी जंगले हैं, जिसे दिखाते हुए मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है। और एक हैंडपम्प है इधर, इसको भी आप देख रहे हैं, खराब है प्लेटफार्म इसका,
निर्माण कार्य से ही बना ही नहीं, और भी इसको संवारने और सजाने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि कितने पर्यटक यहाँ दिन भर में सैकड़ों की संख्या में आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं जो यहाँ देखते हैं। आप इधर देख सकते हैं, गाइड इन लोगों को बता रहे हैं, हमें आकर के अच्छा लगा। आप सभी को भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा इस प्रकार के तमाम वीडियो मैं आप सभी को दिखाता रहता हूँ। अच्छा लगने पर मैं अनुरोध करूँगा आप अपना कमेंट जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल जो हमारे ही नाम से है, ब्रजभूषण दुबे के नाम से, BRAJBHUSHANDUBY, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी कमेंट आएंगे हम उनका जवाब अवश्य देते हैं। बहुत से लोग हमारे नंबर मांगते हैं किंतु हमारा मोबाइल कदाचित स्विच ऑफ रहा तो उनसे बात नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं चाहूँगा जो भी हमारे सम्मानित साथी बात करना चाहें वो अपना नंबर कमेंट के साथ सेंड कर दें, मैं उनसे सुविधानुसार अवश्य बात करूँगा। धन्यवाद।